ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ योगशाला प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट तहत पूरे सूबे में रोजाना 282 योग कैंप लगाए जा रहे हैं। इन 7000 लोगों को कवर किया जा रहा है। पहले पड़ाव 1 लाख लोगों को कवर किया जाएगा। उनकी बारीकी नाल जांच की जाएगी। इस तो बाद उनका इलाज किया जाएगा। इस दे नाल ही हुण इन्हां कैंपा की गिनती वधा के 1000 कर दी जाएगी। इस 25000 लोगों को कवर किया जाएगा। सेहत मंत्री ने कहा कि पंजाब नूं डेंगू मुक्त बनाने लिए चलाई जा रही हर शुक्रवार डेंगू परिवार मुहिम भरवा हुंगारा मिल रहा है। इस दे नाल ही जिला हस्पतालों में डाक्टरों की घाट को दूर करने लिए 14 जिलों में नैशनल बोर्ड दियां 85 डिप्लोमेट सीटा मंजूर की गई ने। कैंसर हस्पताल अमृतसर में PET सिटी स्कैन न्यूकलियर मेडिसन विभाग की शुरुआत की जा रही है। कपूरथला हुशियारपुर नवे मैडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। हुण सरकारी हस्पतालों में सीटा 850 तो वधा के 1050 हो जाएगी।